कुछ ट्रिक्स लिखे हुए हैं जिनका उपयोग करके आप तत्सम और तद्भव को आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है, कौन सा शब्द तत्सम का और कौन सा तद्भव का। लेकिन याद रखिएगा ये कोई ट्रिक अतिरिक्त ऐसा नहीं है कि जो कहीं से मैंने बनाया या आप बनाते हो ट्रिक, ये संस्कृत निष्ठ शब्द हैं, प्रायः ऐसे शब्द हैं जो तत्सम रूप में हिंदी में डायरेक्ट चले आए हैं, उसमें कुछ विशिष्ट लक्षणों के साथ वो आए हैं, उन्हीं लक्षणों पर आधारित ये सब यहाँ पे जुगाड़ लगाया गया है कि एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे। इनके द्वारा हम बहुत सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं और 1000 शब्द रटने से अच्छा है कुछ इन बिंदुओं को रट लिया जाए। जैसे पहला पॉइंट है ट्रिक नंबर 1, अर्धाक्षर वाले प्रायः क्या होते हैं, तत्सम। अर्धाक्षर जैसे स्त्री में आधा सा है, सूर्य में आधा रा है, पुत्र में आधा ता में आधा रा है, नहीं आधा रा यहाँ भी है, और रत्न में आधा ता है, जिसमें ये आधा अक्षर प्रयोग किया जाता है प्रायः वो शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो जब भी चार ऑप्शन दिखे आपको उसमें तत्सम पहचानना हो तो आप इसे पहचान सकते हो, और एक बार अगर आप तत्सम पहचान ले गए तो तद्भव पहचानना आपके लिए कठिन कार्य नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि चार में से कोई एक तद्भव होगा तो बाकी तीन तत्सम ही तो होंगे, तो अगर तद्भव भी पूछेगा तब भी इसका उपयोग करके आप आंसर कर सकते हैं। तीन ऑप्शन तत्सम वाले पहचान लीजिए, जो चौथा बचेगा वो तद्भव हो जाए। तो अर्धाक्षर वाले प्रायः क्या होते हैं, तत्सम, जैसे कि स्त्री, सूर्य, पुत्र और रत्न एंड सो ऑन। अगला है अर्धवर्ण, जो आधे अधूरे वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे कि रा में यहाँ हलंत लगा हुआ, हलंत का मतलब आधा हो जाता है, रा या सा सा, ये अक्षर प्रायः क्या होते हैं, तत्सम में। जब इनका तद्भव बनता है तो या की जगह क्या हो जाता है, जा हो जाता है। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है युग, क्या लिखा हुआ है, युग लिखा हुआ, तो युग क्या है, तत्सम है, क्योंकि या जो है वो क्या है, तत्सम, और जब इसका तद्भव बनेगा तो या की जगह मुख्य रूप से क्या हो जाता है, जा, तो युग का क्या बन गया, युग बन गया। बात समझ में आई। नेक्स्ट ऐसे बड़ा सा लिखा हुआ है, इसकी जगह ज़्यादातर क्या हो जाता है, छोटा सा, जैसे सुकु, सुकु का देखिए क्या बन गया, सुवा, सुंड का क्या हो गया, सूंड, सुंड में बड़ा सा है और सूंड में क्या है, छोटा सा हो गया, तो बड़ा का छोटा हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रा या सा सा कहीं दिखते हैं तो वो शब्द मूलतः क्या होगा, तत्सम, और इनकी विकृति के साथ जो बनेगा वो तद्भव होगा। इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए, जैसे सुकु का सुवा, सुंड का सूंड, युग का जुग। ये सा जो आप देख रहे हो ये दो तरीके से बदल सकता है, या तो सा में या फिर घा में बदलता है, या इस सा का छा भी बनता है, सा का क्या बन जाता है, छा, यानी इस सा को छा में भी लिखते हैं, जैसे कि षष्ठ, षष्ठ का मतलब छठा बोलते नहीं है, षष्ठम मतलब छठवें की तो बात करते हैं हम, तो ये जो हाँ सा रहेगा वो मुख्य रूप से क्या माना जाएगा, तत्सम, और इसकी विकृति में क्या आएगा, सा की जगह छा आएगा, तो उसे क्या मानेंगे, तद्भव, इसको ऐसे पहचान सकते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विसर्ग, ये जो बिंदी होती है ना ऐसे दुई ठू लगा रहता है, इसे ये क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग का प्रयोग प्रायः कहाँ किया जाता है, तत्सम में। तो जिस किसी शब्द में ये विसर्ग लगा रहेगा, समझ, सम में कुछ विकृति आके वो तद्भव के रूप में हिंदी में ही वैसे चली आई है, लेकिन जानते हो आप शॉर्ट हैंड, जैसे आज शॉर्टकट में व्हाट्सएप पे लिखने की हरकत करते हैं हम, हाउ आर यू का या चार यू, दो डाट आप देख रहे हो ना, इन दो डाट को हटाकर इसकी जगह क्या कर दिया, कुछ नहीं, कर्पूर और जेस्ट हो गया, इसको हटा दिया गया यहाँ से। अभी जो संस्कृत के बजाय हम हिंदी में इसको और बिगाड़ कर क्या बोलने लगे, ये जो ऊपर मात्रा देख रहे हो इसको भी हटा दिए, क्योंकि ये भार ढोना अभी कठिन हो गया था लोगों के लिए, जो कर्पूर बोलने के बजाय क्या बोलते हैं, कपूर। ऐसे ज्येष्ठा होता है, ज्येष्ठा मूलतः संस्कृत है, ये विसर्ग हटाने के बाद क्या हो गया, ज्येष्ठ, थोड़ा और जल्दी बोलने लगे लोग, और जल्दी बोलने के चक्कर में ज्येष्ठ का सा भी हटा दिए, जेठ हो गया, तो ये शॉर्ट करने के चक्कर में संस्कृत का हिंदी बन गया है, जो आज अंग्रेजी का हिंग्रेजी हो गया है वैसे संस्कृत का ये पूरा विकार आ गया। सो जहाँ भी ये डॉट यानी ये विसर्ग दिखेगा वो मूलतः क्या होगा, संस्कृत का ही होगा, तत्सम होगा, और ये कर्पूर और ज्येष्ठ इस लेवल तक अगर है, यानी ये आधा रा आधा सा आधा आधा जहाँ दिख रहा है यहाँ तक तो ये तत्सम है, लेकिन इसके बाद फिर ये तत्सम नहीं रह गया, ये क्या बन गया,
तद्भव हो गया, यानी इसका उद्भव हो गया किससे, संस्कृत से। चांद बिंदु वाले, नुक्ता वाले, ऐसे शब्द क्या होते हैं, क्यों तद्भव होते हैं, क्योंकि चांद बिंदु वाले ज़्यादातर अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं। जैसे अंग्रेज, अंग्रेज क्या है, ऐसे लिखते नहीं हैं। चांद भी तो एक शब्द है, चांद बिंदी वाला तत्सम नहीं होता है, ये तद्भव होता है। डाट होगा तो वो तत्सम हो सकता है, नहीं ऐसे लिखा अंग क, ये वाला हो सकता है तत्सम, लेकिन अगर चांद लग गया तो फिर वो हमारे संस्कृत का हिस्सा रह ही नहीं गया, वो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आया है, वो तत्सम नहीं, वो तद्भव है। नुक्ता वाले शब्द, जैसे कागज लिखते कागज, तो इज्जत के साथ कागज बोलते हैं, नीचे नुक्ता लगा देते कागज बोलते हैं। अरे सुनो, कहीं भी लगा दे, मुझे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पहचानना है ना, हमें पहचानना है कि इसमें से कौन तत्सम है और कौन सा तद्भव, हमें शायरी थोड़ी ना करनी है। वहाँ तो नुक्ता इधर लगे या उधर, फर्क तो उन पर पड़ेगा जिनके दिल पर आघात होगा, हमें तो प्रश्न मिलने चाहिए नंबर में, ठीक है। तो ये नुक्ता जहाँ भी लगा रहेगा या चांद बिंदी, ये दोनों हमेशा पहचान लीजिएगा कि ये मूलता शब्द क्या है, तद्भव, ये तत्सम का हिस्सा नहीं होता है। अगला देखते हैं, ट्रिक नंबर 5, ये छा का प्रयोग प्रायः कैसा कहाँ होता है, ये मूल रूप से छा जो है तत्सम का हिस्सा है, लेकिन जब बिगड़ता है तो छा की जगह क्या जाता है, खा या फिर से, आपको मैंने बताया था क्षत्रिय, क्षत्रिय तत्सम है, लेकिन इसका क्या हो गया था, खत्री, ये क्या है, तद्भव है, तो छा का क्या बन गया, खा बन गया। और भी देखिए, बर्तन होके क्या बन गया है, खा, तो छा का विकार होगा तो क्या बन?